हमारे इंडिया में ना 10 में से जो 7 लड़कियां 8 लड़कियां हैं वो सेट होती हैं, यानी कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी की महबूबा गर्लफ्रेंड बनी हुई होती हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर 10 में से 7 से 8 लड़के क्या होते हैं, सिंगल होते हैं। जैसे कि हम सिंगल हैं, आप सिंगल हैं, हम लोग सिंगल ही रह जाते हैं भाई, और लड़की पटाने वाले ना पटाके ले जाते हैं। अब समझ में नहीं आता कि वो जो इतनी सारी ढेर सारी लड़कियाँ जो कमिटेड हैं वो किन लड़कों से कमिटेड हैं, तो वो मात्र 30-35% लड़कों से ही कमिटेड हैं। वही बार बार लड़कियों को चेंज करते रहते हैं, उनको यूज़ करते हैं, उनको धोखा देते हैं, उनको चीट करते हैं। लड़कियां हज़ार बार ये चीज़ें कहेंगी कि लड़के तो सारे एक जैसे होते हैं, लड़कों को तो बस जिस्म से प्यार होता है, इससे प्यार होता है, उससे प्यार होता है, लेकिन लड़कियां फिर भी उन्हीं जैसे लड़कों के पीछे जाती हैं। और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आप ये कॉन्सेप्ट समझ पाओ कि इस दुनिया में जो चीज़ें दिखती हैं वो कभी भी नहीं होती, और जो चीज़ें हो जाएंगी वो आपको जिंदगी में कभी नहीं दिखेंगी, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे पैसा कमाना हो, चाहे रुतबा हासिल करना हो, चाहे लड़की पटाना ही क्यों ना हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो चीज़ें दिखाई जाती हैं, जो साइकोलॉजी बताई जाती है ना कि ये चीज़ करो वो चीज़ करो, फॉर एग्जांपल लड़कियों को सीधे साधे लड़के पसंद आते हैं, लड़कियों को वो लड़के पसंद आते हैं जो कि बहुत सीधे रहते हैं, जो हेल्पिंग नेचर के होते हैं, है ना, जो क्यूट होते हैं, जो ऐसे होता है मेरा घंटा ऐसे होते हैं, लड़कियों को बैड बॉयज़ ही पसंद आते हैं। ये फैक्ट है और ये आपको कोई कभी भी नहीं बताएगा, क्योंकि वो लोग चाहते ही नहीं कि आप बंदी पटाओ। लोग बोलते हैं, अब बहुत सारी चीज़ें हैं, चलो उसको हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो आपको बताई जाती हैं लेकिन आपको नहीं करनी। इसको हम कहेंगे रिवर्स साइकोलॉजी। जो साइकोलॉजी आपको बताई जा रही है वो आपको नहीं करनी। सबसे पहली चीज़ जो बहुत कॉमन है कि लड़कियों को इशारे दो, लड़की को देखो, उसको देख के स्माइल करो, उसको देख के इशारे मारो। भाई ये 90s के 80s ज़माने के चलते होंगे, लड़की को देख के स्माइल मार रहे हो, हंस रहे हो। उस टाइम पे ना व्हाट्सएप हुआ करता था, ना इंस्टाग्राम हुआ करता था, ना बातचीत करने की हिम्मत हुआ करती थी, क्योंकि घर वाले पेल देते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है ब्रो, इशारे देना, देख के हंसना, भाई लड़की तुम्हें चेप समझेगी और ज़िंदगी में कभी पलट कर नहीं देखेगी। साफ चीज़ तो यह है कि लड़कियों को वो लड़के पसंद आते हैं जो कि लड़के लड़कियों को ये नहीं दिखाते कि मैं तुमको लाइक करता हूँ। जो कभी भी ये चीज़ नहीं दिखाएंगे कि देखो मेरे को तुम पसंद आ गई हो, लड़कियाँ उन्हीं लड़कों के पीछे जाती हैं। और ये चीज़ आपको कभी कोई भी नहीं बताएगा, आपको बस यही चीज़ें बताई जाएंगी, उस लड़की को देखो, उसको इशारे दो, लड़की तुम्हें देखेगी, स्माइल करेगी, जाके उससे बात करो, लड़की पूछेगी आप कौन हो, कहाँ से हो, उसके बाद लड़की का कॉन्टैक्ट नंबर ले लेना, फिर हाय हेलो पे बातचीत होगी, फिर कॉल पे कर लेना, उसके बाद मिलकर सेक्स कर लेना। इतना आसान है क्या, हलवा है क्या यहाँ पे, घंटा मेरा होगा क्या? तुम देख के स्माइल मारोगे, लड़की भी स्माइल मारेगी, तुम उसके पास जाओगे, तुम अपना इंट्रोडक्शन देगी दोगे और लड़की बोलेगी तुम हो कौन, तू है कौन। तुम मन में ये सोचोगे भाई मैं तो देख के इसको हंसता था तो ये उल्टा हंसती थी, अब इसको क्या हो गया। भाई लड़कियां ऐसे नहीं पटती हैं, तो प्लीज़ लड़कियों को इशारे देना बंद करो, लड़कियों को ये दिखाना बार बार बंद करो कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो। लड़की को ऐसे ट्रीट करो जैसे कि लड़की वहां पर है ही नहीं। और इसके पीछे की बहुत सिंपल सी साइकोलॉजी है। एक फ्रेंड है जो कि हमारा दुश्मन बन चुका है, जो पहले कभी दोस्त हुआ करता था, आप दोनों की लड़ाई हो गई। अब हो क्या रहा है कि ग्रुप में सब आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वो इंसान सबसे बात कर रहा है लेकिन आपसे बात नहीं कर रहा, आपको ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे कि आप इनविजिबल हो, वहां पर हो ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। आपने कभी ऑब्जर्व किया कि आपकी कितनी ज्यादा जलती है, आप कितने ज्यादा घबरा जाते हो, आप कितने ज्यादा इस चीज में आ जाते हो कि मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, इसको क्या हो गया, आपको कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इरिटेशन होती है। जो वो पहले बात करता था तो इतनी इरिटेशन नहीं होती थी, लेकिन अब क्योंकि आपका ईगो हर्ट हो रहा है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सारा गेम ही ईगो का है, प्यार मोहब्बत ब्रेकअप ये सारा गेम ही ईगो का है। आपको दुनिया बताएगी ब्रेकअप के बाद दर्द होता है, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताएगा कि जो ब्रेकअप के बाद दर्द होता है वो किसी के छोड़ जाने का नहीं होता, वो आपके ईगो के हर्ट होने का होता है। कभी भी आपका ब्रेकअप होगा और लड़की को आप छोड़ोगे, जिंदगी में आप कभी घबरा जाओ, जिंदगी में आपको कभी ये इशू हो कि मेरा ब्रेकअप हो गया, हाय मैं क्या करूं, हाय तौबा, घंटा, क्योंकि वहां पर आपका ईगो सेटिस्फाइड रहेगा कि मैंने उसको छोड़ा है, मैंने। और अगर गलती से भी बंदी ने आपको छोड़ दिया ना, वो छोड़ के गई, अब आपको सेक्स मिलेगा नहीं मिलेगा, लड़की हॉट थी चिकनी थी कहाँ गई कहाँ मरवा रही, उससे अपन को मतलब नहीं है, लेकिन मतलब आपको इस चीज़ से होगा कि हाय यार उसने मेरे को रिजेक्ट कर दिया। जो ये रिजेक्शन का जो सेंस होता है, जो रिजेक्शन की जो फीलिंग होती है ना, वो इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि वो आपको ब्रेकअप, ये मतलब ही नहीं होता कि ब्रेकअप हुआ नहीं हुआ, दिक्कत
इस चीज की होती है कि रिजेक्शन हो गया। यही रीजन है कि कई लोगों का ब्रेकअप ना होते हुए भी ब्रेकअप हो जाता है। वो लड़की से दो चार दिन बात करते हैं और लड़की बात करना बंद कर देती है तो उनको ये फीलिंग आती है जैसे उनका ब्रेकअप हो गया। वो रोते हैं, गाते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर भी उनको सेम वही रिजेक्शन वाली फीलिंग आती है। थोड़ी कम आती है कंपैरेटिवली, ऑब्वियसली ना, कोई आपकी गर्लफ्रेंड बन के जा रही है और कोई बिना गर्लफ्रेंड बने जा रही है। दुख दोनों में होगा, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा होगा। इसलिए हमेशा याद रखना कि कभी भी लड़की को मत देखो, लड़की को इशारे मत दो। लड़की खुद आपसे बात करेगी, लड़की खुद आपको जानना चाहेगी कि ऐसी आप कौन सी तोप चीज हो जो देख नहीं रहा है। सारे लौंडे देख रहे, आप क्यों नहीं देख रहे। दूसरी चीज हमेशा याद रखना, जो कि बहुत ज्यादा हद से ज्यादा कॉमन है, कि लड़की को जाके देखो और लड़की को जाके सीधे प्रपोज मार दो। लोग आपको अपनी कहानियां सुनाएंगे कि देखो मैं एक बार गया था वहां पे, मैं ट्रेन में एक लड़की को मिला, मैंने देखा, मैंने उसको प्रपोज मार दिया, लड़की ने हाँ कर दिया, उसके बाद मेरा हाथ उसके थाइस पे, और उसके बाद रात में लाइट बंद, और उसके बाद पता नहीं क्या क्या। और ऐसा नहीं होता सर, ऐसा यहाँ पे नहीं चलता। ये चीजें मेरे और आपके बस की बात नहीं है, वो होता होगा हजारों में एक बार। ऐसे लड़कियां प्रपोजल पे हाँ नहीं करती। हाँ सुनो, पैसा है अंधा, गाड़ी है मस्त वाली, फोन है सेक्सी सा, है ना, तो लड़की हाँ कर देगी। आपके लुक्स अच्छे हैं तो लड़की हाँ कर देगी, मगर ये तो बताओ कि अगर आपके लुक्स इतने ही अच्छे होंगे, आपके पास इतना ही पैसा होगा, तो जाके आप लड़की को प्रपोज करोगे? अजी घंटा मेरा, तब आप प्रपोज नहीं करोगे। और इस जगह पर आप फॉलो करोगे रूल नंबर वन ऑटोमेटिकली। जो अच्छे लुक्स वाले लड़के होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, उनके पास कॉन्फिडेंस इतना होता है, उनको अपनी इंपॉर्टेंस इतनी पता होती है, उनको अपनी डिमांड इतनी ज़्यादा पता होती है कि वो लड़की को भाव ही नहीं देते। और यही रीज़न होता है लड़कियां उनके पीछे जाती हैं। लुक्स और पैसे मैटर करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मैटर करता है आपका एटीट्यूड। भाई पैसे नहीं है, लुक्स नहीं है तो कमा लेंगे अभी धीरे धीरे, लेकिन अभी तो बंदी पटानी है ना, अभी तो हवस शांत करनी है आपको। तो उसके लिए कम से कम एक ऐसा एटीट्यूड लाओ कि भाड़ में जा तू, तुम हर चीज़ अनफॉलो कर दो, तुम सारी चीज़ जितनी मैंने आज तक बताई हैं सब छोड़ दो, बस एक चीज़ फॉलो करना कि लड़की को ऐसे ट्रीट करो जैसे कि वो मतलब दो टके की लड़की हो। मतलब गलत सेंस में मत लेके जाना कि मैं कैसे कह सकता हूँ लड़कियों कैसे, मैं एक इंसान को ऐसे कह रहा हूँ, उसको ऐसे ट्रीट करो जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसको इग्नोर मारो। भाई लड़की की फट जाएगी, लड़की तुमसे पूछेगी क्या बात हो गई, और वहाँ पर आपको ऐसे बिहेव करना जैसे कि एज इफ नथिंग हैज हैपेंड। फिर देखो मजे, तो लड़की को कभी भी प्रपोज गलती से ही मत मार देना। इवन लड़की को कभी प्रपोज मारना ही नहीं है, पहले बाद में छोड़ो, लड़की को कभी प्रपोज नहीं मारना। थर्ड चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये जो दिल्ली के लड़के होते हैं ना, जो मुंबई के होते हैं, जो ये कूल डूड्स होते हैं ना ब्रो, जिनकी हैवी हैवी वॉइस होती है और जो ऐसे बात करते हैं, कम ऑन यार, आई वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट गर्ल नो, जो ऐसे बात करते हैं ना यार, भाई वो बात करते हैं फ्रेंड्स विद बेनिफिट, We are into FWB, friends with benefits. We are into hookups. Yeah, I am just dating. Oh yeah, भाई ये सारी चीज़ें मूवीज में चलती हैं, friends with benefits नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो क्या मैं ये कह रहा हूँ कि लड़की गर्लफ्रेंड बने बिना कर लेती है सेक्स? बिल्कुल कर लेती है, मैं इस चीज़ से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस दिन आपको एक्सपेक्टेशंस होंगी, जिस लड़की से आपको एक्सपेक्टेशंस होगी कि मैं इसको फ्रेंड बना लेता हूँ, उसके बाद ये मेरे साथ सेक्स करेगी, वो लड़की ज़िंदगी में आपके साथ सेक्स नहीं करेगी। ये लिख लो, रोल कर लो, रख लो अपनी जेब में, और जब शिकार हो जाना फ्रेंड जोन का, फ्रेंड जोन होने का, तो ये पढ़ लेना जो मैंने लिखवाया था। कभी भी लड़की वो सेक्स नहीं करती जिस लड़की से आपको उम्मीद होती है, और कभी भी लड़की उस लड़के को सेक्स नहीं देगी जो उससे वो उम्मीद कर रहा होगा। ये ऑल ऑफ दी सडन चीज़ें होती हैं, ये अचानक से हो जाने वाली चीज़ें होती हैं, ये बस एक बार वह होने वाली चीज़ होती हैं। लड़की कभी भी एक लौंडे से सेक्स करने के बाद दूसरी बार सेक्स नहीं 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 करती। लड़कियाँ चालाक होती हैं, वो हम जैसे क्या बोलूँ, गधे नहीं होती, वो चंट होती हैं। उनको पता है इसको एक बार मुंह लगाना है, दूसरी बार मुंह नहीं लगाना। लड़की एक बार मौका देती है इस चीज़ का, और हम और आपके बस की बात नहीं है, प्लीज़ मानो। ये एक्सपेक्टेशंस भी मत रखना कि लड़की को जस्ट फ्रेंड्स बनाऊंगा, रिलेशनशिप में नहीं भी आ रही है तो भी क्या हुआ, उसका होमवर्क मैं करवाऊंगा, उसके असाइनमेंट्स पूरे मैं करवाऊंगा, उसको लेके क्लब में मैं जाऊंगा, घुमाऊंगा फिराऊंगा, मैं अपनी गाड़ी में अपना तेल फुकवाऊंगा। उसके बाद एक दिन तो लड़की दे ही देगी प्यार, नहीं देगी भाई, लड़की नहीं देगी तुम्हें कुछ भी नहीं देगी। हाँ ये लेके चलो
ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। जब जब एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी तो आपके साथ सारी चीज़ें होंगी, और लाइफ का यही रूल है। लाइफ की जो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ आपको तब मिलती हैं जब आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती, बट उस टाइम पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करने वाला होना चाहिए। ऐसा ना हो कि लड़की का थोड़ा थोड़ा रंग बन रहा है और आपको पता ही नहीं कि उसको और रंग में कैसे लेकर आना है। अगर आप अपने फिंगर्स से अच्छे नहीं हो, आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। लेट मी कम वंस अगेन, अगर आप अपने फिंगर से अच्छे नहीं हो, अब फिंगर से ये मत समझ लेना कहीं तुम डाली दे रहे हो, वहाँ मत पहुँच जाना। कहने का मतलब है कि यू शुड बी, रादर यू मस्ट बी गुड विद योर टचेस। जो आपके टच होते हैं ना, मैंने एक और वीडियो में कहा था, मैं अभी भी कह रहा हूँ, आपके इंडेक्स फिंगर का जो फ्रंट वाला पार्ट होता है वो काफ़ी है लड़की का मूड बनाने में। अगर आप इस काबिलियत को जानते हो तो आप हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लोगे। अगर ये चीज़ नहीं जानते तो भाई आप हर जगह जाके लड़कियों से फ्रेंड जोन होते रहोगे। लड़की को आप ब्रेकअप से निकलवाओगे, लड़की कहीं और जाकर सेट हो जाएगी। आप सोचोगे यार मेहनत तो मैंने की थी, पका तो मैं रहा था, खा कोई और रहा है, ये क्या मतलब है। यही मतलब होता है, लड़कियों को तुम कभी नहीं समझ पाओगे, कभी नहीं समझ सकते हैं। समझने की कोशिश भी मत करो, अपने काम से काम रखो। तुम्हारे अंदर हवस है, अपनी हवस बुझाओ, निकलो। लड़की ब्रेकअप करके कहाँ गई, क्यों गई, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, वो अपनी टेंशन वो रखे, हमें मतलब नहीं है। आई नो कहना बहुत आसान है, कह रहे होगे भाई कहना आसान है तेरे, भाई मुझे पता है कहना बहुत ज़्यादा आसान है, मगर यही सच है। अदरवाइज ये इतना बड़ा ट्रैप है ना लड़की का मामला, बर्बाद हो जाओगे, ना पढ़ पाओगे, ना लिख पाओगे, ना पैसे कमा पाओगे, ना माँ बाप को कुछ सपोर्ट कर पाओगे। लड़की के चक्कर में अपने एल लगवा लोगे भाई, कुछ नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में, बहुत कैड़ी चीज़ है। इसीलिए मैं इतने खुले में और बिल्कुल खतरनाक तरीके से बताता हूँ, क्योंकि मुझे डर नहीं है भाई, आपका भला हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ नहीं बतानी जो दुनिया बता रही। तो तीन चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें बताई, याद रखना। पहली चीज़ कि लड़की को कभी भी इशारे मत देना, स्माइल पास करना, उसको दिखाना, ये वो, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। लड़की को ऐसे ट्रीट करो दो टके की लड़की है, एग्जिस्ट ही नहीं करती। दूसरी चीज़, लड़की को कभी भी प्रपोज मत करना। द मोमेंट यू से आई लव यू, तुम्हारे एल लगने शुरू हो जाएंगे। यकीन ना आए तो याद कर लेना, अपने जितने भी आपके सीनेरियोज रहे होंगे, जितने भी पास एक्सपीरियंसेस रहे होंगे। थर्ड पॉइंट जो आपको नहीं करना, और जो ऑब्वियसली बोला जाता है, कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट नाम की चीज़, हम तो बस फ्रेंड्स है और वो देती रहती है मुझको। ऐसा नहीं होता ब्रो, ऐसा नहीं होता। वो लड़की तुम्हें देगी प्यार जिससे आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी, वो एक बार होने वाली चीज़ होती है। हो सकता है हज़ार में कोई एक दो लड़का हो जो कर रहा हो ये सारी चीज़ें, फिर वो लड़की भी ऐसी होती है जो 10 जगह मुंह मरवा रही होती है। तुम्हें वैसी लड़की चाहिए, आई होप तुम्हें वैसी लड़की नहीं चाहिए होगी, अदरवाइज तुम यहाँ तक वीडियो नहीं देख रहे होते। तो अगर तुम्हें ऐसी लड़की नहीं चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके बताना मुझे, यहाँ तक वीडियो देखिए भाई, वीडियो को लाइक करके जाना। मुझे सपोर्ट मिलना चाहिए, मुझे पता लगना चाहिए कि जो बोल्डली मैं चीज़ें कहता हूँ वो आपको पसंद आती हैं, और वीडियो को अगर आप शेयर कर दोगे लॉन्डो में तो बहुत खुशी होगी यार, लोगों को पता चलेगा। अदरवाइज़ हम लड़कों के ही लग रहे हैं, लड़कियाँ तो मस्त ऐश कर रही हैं, दे विल शो कि यार वो लड़का ऐसा था, वो लड़के ने ये कर दिया, चीट कर दिया, ये कर दिया वो। भाई लोगों के अब क्या, छोड़ो ज़्यादा बातें हो जाएंगी, लेकिन बात यही है, लड़कियाँ ओवरकम ईजिली कर जाती है। आई एम नॉट सेइंग कि लड़कियों को प्रॉब्लम नहीं होती, बट उस चीज़ से ओवरकम भी जल्दी कर जाती हैं, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। एक नौकरी छोड़ने के बाद अगर 10 कॉल आएंगे ना आपके पास कि आ जाओ सर हमारे यहाँ नौकरी कर लो, पहली नौकरी से आपको घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। और अगर एक नौकरी छोड़ के बॉस लात मार के भगाता है भाई हम लड़कों को, तो हमारे समझ रहे हो ना एग्जांपल, बॉस लात मार के अगर तुम्हें भगा देना सड़ जाओगे भाई, समझ भी नहीं आएगा करें क्या। और उसमें अगर दूसरी नौकरी मिलेगी ना डिप्रेशन में चले जाओगे। तो सपोर्ट करें आप हमें भी और बाकी लड़कों को भी, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें ठोक के। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।